फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, गाना काफी पॉपुलर हो चुका है. थैंक यू सो मच. क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है. आई मीन आप लोगों की दुआएं हैं कि गाना 10 मिलियन क्रॉस किया है और बहुत अच्छे अच्छा रिस्पांस है. कमेंट्स में लोग काफ़ी कुछ प्रेज कर रहे हैं दोनों की जोड़ी को, केमिस्ट्री को, सॉन्ग को. राघव ने गाया है, जावेद ने. आई मीन मेस्मराइजिंग वॉइस आई वुड से. और या आई मीन एंड डू यू थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम टू रिलीज? ईद भी आ रही है. बिल्कुल हाँ. सब एक्चुअली मैं आई वाज एक्साइटेड अबाउट दिस सॉन्ग बिकॉज ईद पे था और ईद से पहले 2-3 दिन पहले रिलीज करने का प्लान था ताकि ईद तक लोगों को वो हुक्स तक भी याद हो जाए और वो जो उसके इतने खूबसूरत से लिरिक्स हैं सब याद हो जाए और सब लोग ईद पे यही गाना बजाएं. और लॉकअप में आप आए हो, काम करते हुए कैसा लगा? हाँ जरीन के, आई मीन जरीन दोस्त भी है लेकिन ऑब्वियसली हमने कभी काम नहीं किया. तो काम कर आई मीन जब सॉन्ग का पता चला कि जरीन इज फीचरिंग तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि आई मीन आई वांटेड टू वर्क विद हर एंड समहाउ इट हैपेंड. और लॉकअप में आप आए हो, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? एक्साइटेड है. जेलर मेरा दोस्त है करण और शो बहुत अच्छा चल रहा है एंड बस अब गाना भी प्रमोट करने आए और थोड़ा कुछ वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन देने आए हैं अंदर कंटेस्टेंट को. एंड कंगना मैम को एज अ होस्ट किस तरह से दिखते हो? कंगना मैम भी शी इज अ वेरी गुड होस्ट. द शो इज गेटिंग पॉपुलर बिकॉज ऑफ हर ओनली एंड द कंटेस्टेंट आई वुड से. तो आई थिंक शी इज अ वेरी गुड होस्ट. एंड हाउ डू यू सी करण एज अ जेलर? करण एकदम बैड एज जेलर है. मैंने देखे एपिसोड, एकदम उसने बजा दिया अंदर कंटेस्टेंट की. तो अच्छा है. आई मीन आई थिंक परफेक्ट जेल आउट से. मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट तो नहीं है. आई थिंक सभी अच्छे हैं. फिनाले वीक तक पहुंच गए हैं सारे. तो मैं सबको सपोर्ट करने आया हूं और कुछ वर्ड्स उनको यू नो मोटिवेशन के देने आया हूं और अपना गाना भी प्रमोट करने आया हूं. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू गाइस. थैंक यू फॉर कमिंग. बंद कर ले.